सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों के स्पॉट राउंड के ऊपर, क्योंकि काफी बच्चों की कंफ्यूजन अभी भी है कि भैया स्पॉट राउंड में कैसे हमें एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनको अभी तक कोई एडमिशन नहीं मिला। अगर मैं आउटसाइड वालों की बात करूं तो उनको 1.5 लाख 2 लाख वाले बच्चे जो खाली बैठे, उनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। एंड अगर भाई इनसाइड वालों की बात करूं तो भैया इनसाइड वालों में 4 लाख 5 लाख 3-3 लाख वाले बच्चे भी कुछ ऐसे जिन्होंने चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ करी थी, उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज हम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही थी बच्चों की, कमेंट्स में बच्चे पूछ रहे हैं, और कुछ बच्चे तो इंस्टा पे ये भी पूछते हैं कि भैया स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा। अरे मेरे भाई लोग, होगा आप लोगों का स्पॉट राउंड, क्योंकि राउंड 3 तक देखो आप लोगों की जो चॉइस सेलिंग होती है, आप लोगों की जो काउंसलिंग होती है, उसके बाद भी जो होती है आपकी सीट्स होती है वो लेफ्ट होती है, तो सारी सीट्स नहीं भरती आपकी, तो अभी टेंशन मत लो। तो अभी प्राइवेट कॉलेजेस में भागने से बेटर है अभी थोड़ा सा वेट और करो स्पॉट का। अब स्पॉट की डेट जो है वो अभी तक स्टिल अनाउंस नहीं हुई है, मे बी जब तक मैं ये वीडियो डालू क्या पता हो भी सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप सोच के चलो जैसे आपका स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आता था, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भी आज स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आएगा, तो लाइक 10 दिन का बीच में गैप रहता है आपके स्पॉट राउंड शुरू होने में, ठीक है। तो अब वो जब भी डेट आएगी वो अनाउंस हो जाएगी, मैं आपको वीडियो डाल के अपडेट कर दूंगा एंड पता लग जाएगा आप लोगों। तो आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो बच्चों के बहुत से कॉमन डाउट्स होते हैं कि भैया हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, लाइक आपके भी कुछ कॉमन डाउट्स ही होंगे ही होंगे। सो यार पहला स्टूडेंट है जिसकी हम क्वेरी लेते हैं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं, लाइक आप लोगों की भी सेम क्वेरीज रहने वाली है काफी बच्चों की, कि यार इसका डाउट है कि भैया थर्ड राउंड में भी यूएसएआर नहीं मिला, ठीक है, 1,97,882 पर गई थी आईओटी, लाइक आईओटी की जो कट ऑफ है वो इतनी तक गई थी थर्ड राउंड की, एंड उस बच्चे की रैंक थी 1,99,482, लाइक आप देख सकते हो इसमें 2,000 का डिफरेंस है। तो भाई अगर आपका 2,000-3,000 का डिफरेंस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस आपके स्लाइडिंग राउंड में जब आप जाओगे तो स्लाइडिंग राउंड में आपकी सीट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि देखो स्लाइडिंग राउंड में आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है, ये आपके पास एडवांटेज हो जाता है कि सारे बच्चे आपके स्लाइडिंग राउंड में नहीं जा पाते, जिसके पास सीट है सिर्फ वही जा पाते, तो उनके लिए एडवांटेज हो जाती है, उन बच्चों की जो अपग्रेडेशन होती है वो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको चांसेस है मिलने के, एंड स्लाइडिंग के बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है आगे स्पॉट राउंड में जाने का, आगे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ ऐसा आता है तो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का, एक है वरुण, तो वरुण का भाई क्वेश्चन है, भैया मेरे को 29 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यूएसएआर में अलॉट हुआ है कॉलेज, मैंने मेरे जेई मेन स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड पर फादर नेम में मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो मेन अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट का देखा जाता है, फादर का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट स्टिल जब आप कॉलेज में जाओगे अपने फादर का डॉक्यूमेंटेशन, आपके आधार कार्ड, पापा की जो ओरिजिनल है वो एक बार लेके चले जाना, एंड उनको लाइक अपडेट कर देना कि ऐसा ऐसा इशू है, अगर कुछ भी होता है तो वो आपसे कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करवा लेंगे, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके एडमिशन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको अब भी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट है, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए कहीं पे, लाइक कोई भी क्वेरी कुछ भी रिलेटेड हो रही है आपको, बीबीए, बीटेक, बीजेएमसी, लॉ, व्हाटएवर, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो रही है, तो यहाँ पे एक नंबर आपको शो रहा होगा, इसमें जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, उनका व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, एंड गूगल फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा, उनसे जाके फटाफट से कनेक्ट कर लो, एंड आपकी जो भी क्वेरी है, आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछनी है या व्हाटएवर किसी भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप उनसे फटाफट से कनेक्ट कर लो। तो चलो अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इसका नाम है यार कुणाल, तो इसका क्वेश्चन है कि भैया एक क्वेरी है, मेरे को यूएसएआर एआईएमएल अलॉट हुआ है, ठीक है, मेरे को ये पूछना है कि मैं बीटेक के बाद एग्जिट ले सकता हूं बिना एमटेक करे, क्या ये कंपलसरी तो नहीं है ड्यूअल डिग्री करना, प्लीज थोड़ा जल्दी बता देना, मेरे को अभी विलिंगनेस। तो देखो इसका मैंने एक अभी ब्लॉग डाला यूएसआईसीटी का, जिसमें मैंने हिमांशु भाई के साथ पूरा कॉलेज का कैंपस टूर करवाया, उसमें उन्होंने काफी सारी चीजें बताई है कॉलेज के, एंड उसके बाद एक और वीडियो मैंने डाली है उसमें उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस भी करी है कि आपको बीटेक के बाद एमटेक करना कंपलसरी है नहीं है, आप बीटेक के बाद एमटेक छोड़ भी सकते हो। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं होता, मैं आपको समझा देता हूं कि आप बीटेक के बाद एमटेक को छोड़ सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको एमटेक करनी ही करनी है, आपको कॉलेज में आके एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, तो अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है फॉर हायर स्टडीज तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तो इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो अगला स्टूडेंट जिसके हम क्वेरी देखते हैं, तो ये है विवेक, तो इसका है कि भैया जैसे मैं वेट करता हूं 10 तारीख तक और उसके बाद मुझे स्पॉट 1 में ही मिल जाएगा क्या कुछ? देखो यार स्पॉट 1 में ही मिल जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं कह सकता आप लोगों। देखो अगर आपकी रैंक 2 लाख 3 लाख तक भी है या 3-3.5 लाख तक भी है तो आपको देखो स्पॉट 1 तक कोई ना कोई कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा, बट स्टिल आप देखो आपके स्पॉट 1, 2, 3 तीन राउंड्स होते हैं स्पॉट के, अब इस बार जो भी नोटिस आएगा जो भी सिनेरियो रहेगा वो आपको तभी पता लगेगा। तो बट ये है कि आपको स्पॉट तक इजीली कॉलेज अलॉट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भैया मेरा राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मेरी रैंक 2.5 लाख है, लाइक मैंने गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी, तो क्या स्पॉट राउंड में कोई डिसेंट कॉलेज मिल सकता है? हाँ भाई श्योर तुम्हें कॉलेज अलॉट हो सकता है स्पॉट राउंड में, देखो 2.5 लाख रैंक इज अ डिसेंट रैंक, आपको इस रैंक कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, आपको भारतीय विद्यापीठ, आपको भगवान परशुराम, आपको अखिलेश दास, तो आपको ये 4 कॉलेज मैंने बता दिए, इन 4 में से आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
कि हे हेमंत, आई वांट टू कनेक्ट रिगार्डिंग माय ब्रदर्स काउंसलिंग बीटेक। माय ब्रदर गॉट डीटीसी नोएडा, ठीक है, उसको डीटीसी नोएडा मिला राउंड 3 में, बट वी वांट एमएसआईटी एंड एममेट, बट हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन द स्पॉट राउंड एंड व्हाट इफ ही गेट अ लोअर रैंक कॉलेज एंड डू वी हैव टू टेक इट डीटीसी, वुड इट बी ऑप्शन। देखो यार, इसकी रैंक है 101,076 अराउंड कुछ, ठीक है, अगर आपकी 100,000 तक रैंक है तो आपको आराम से मेट या एमएसआईटी तक कॉलेज अलॉट हो सकता है। बट वही है, इसको डीटीसी क्यों अलॉट हुई है, बिकॉज इसने अपनी चॉइस के लिए में कोई ऑफकोर्स कोई गलती करी होगी, तभी इसको डीटीसी अलॉट हो गई है। बट स्टिल अगर ये स्पॉट में जाते हो भाई, अगर आप ये स्पॉट में जाएगा तो इसको इजिली मेट या एमएसआईटी तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ष, हेलो भैया, एक चीज़ पूछनी थी आपसे, ये कॉलेज की रिपोर्टिंग टाइम लाइक इसका क्वेरी है कि 28 से 30 जुलाई आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे रखी है, तो इसका कहना है कि भैया क्या मैं उसके बाद जाकर रिपोर्टिंग कर सकता हूँ? नहीं भाई, आप उसके बाद जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, आपको जो डेट मैंशन आपको उसी डेट पर आपको जाना पड़ेगा, तो इट्स कंपलसरी। उसके बाद जाते हो तो क्या पता नहीं करे या कुछ भी करे, तो कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क लेने की कोई फायदा नहीं है। जिस डेट को आपको दिया तो उस 3 दिनों के अंदर जाके अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है, भैया स्पॉट में सीएससी की सीट वैकेंट रहती है क्या? तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन करा भाई ने, स्पॉट में सीएससी की वैकेंट रहती है। तो देखो, अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, यूएसआईसीटी, मेट, एमएसआईटी, तो वहां पे सीएससी की सीट्स रहना मुश्किल है। लाइक वहां पे होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं होती, बट उसमें प्रायोरिटी फिर वही रहती है जिन बच्चों की रैंक अच्छी है, लाइक वो 100,000 तक या 150,000 तक का कोई बच्चा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी उसको स्पॉट में सीएससी मिलने की। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर आपकी रैंक थोड़ी अच्छी है तो ही आपको स्पॉट राउंड तक सीएससी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई का है विशु, तो इसका है भैया राउंड 3 में कुछ भी नहीं मिला, भैया मैंने अखिलेश तक ईसी भरा और सभी ईसी तक डाली फिर भी कुछ नहीं मिला राउंड 3 में भी। तो देखो यार, इसकी रैंक या तो ज्यादा होगी, लाइक इसकी रैंक 500,000 के राउंड है। तो देखो यार, अगर थर्ड राउंड तक आपको नहीं मिल रहा, अगर आपकी 500,000 तक रैंक है, तो डोंट वरी, आपको स्पॉट राउंड तक इजीली मिल जाएगा, स्पॉट 2-3 तक आपको उस टाइम तक ईसी भी अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट है अमरेंद्र, इसका क्या है, भैया आईपीयू राउंड 3 में भी नहीं मिला, कोई दूसरे प्राइवेट कॉलेज में ले लूं एडमिशन? तो देखो यार, इस भाई की रैंक 150,000 के अप्रॉक्स है, लाइक 140 के अराउंड है, 160 है। तो यार देखो, अगर आपकी 160 तक रैंक है तो यार घबराओ मत, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की भी वीडियोस में आपको कहा है कि यार अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो यार इस रैंक तक आपको स्पॉट राउंड तक इजीली कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे पास अभी तो कोई सीट नहीं है, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो यार आप थोड़ा सा घबराओ मत, थोड़ा सा जैसे आपको वेट करना पड़ेगा स्पॉट के लिए, क्योंकि स्पॉट में काफी ज्यादा बच्चों को सीट देखने को मिल जाती है, तो आप बस उसका वेट करो, ठीक है। एंड साथ ही साथ बच्चों के बहुत से कॉमन डाउट्स आते हैं ईसी से रिगार्डिंग। एक स्टूडेंट है, ये मेरे से यही पूछ रहा था कि भैया मुझे ईसी अलॉट हुई है तो क्या मुझे लेनी चाहिए, इज इट वर्थ इट और नॉट? तो भाई मेरे देखो, अगर आपको ईसी मिल रही है तो यार ईसी इज एवरग्रीन ब्रांच, एंड इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जाननी है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो फटाफट जाकर उसको देख लेना, आपको सारी जो आपकी क्वेरी है ईसी से रिलेटेड वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर आपको यूएसआईसीटी, काफी बच्चों का एक डाउट था, लाइक मैं कमेंट पढ़ रहा था कल, तो एक बच्चे का डाउट था यूएसआईसीटी के रिगार्डिंग, भैया वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी है, वहाँ का कॉलेज लाइफ कैसा है, लाइक वो आउटसाइड दिल्ली है, तो एक मैंने व्लॉग मैंने डाल रखा है हिमांशु भैया के साथ, तो उसको भी मेरे चैनल पे जाओ, उसको फटाफट से देखो। एक मैंने चैनल पे अपने व्लॉग डाले यूएसआईसीटी, एक मैंने उनके साथ कॉलेज का पूरा पॉडकास्ट टाइप डाला है, पॉडकास्ट टाइप क्या, मैं कॉलेज में बैठा था भैया के साथ, तो वही हमने डिस्कस करा कॉलेज लाइफ एंड आफ्टर दैट प्लेसमेंट्स एंड कॉलेज की चीजें क्या क्या होती है, तो उनके साथ डिस्कस करिए। उन्होंने अपने 4 साल पूरे कंप्लीट करे हैं उसी कॉलेज से, तो उनको काफी ज्यादा नॉलेज है उस कॉलेज के रिगार्डिंग एंड कॉलेज में क्या क्या चीजें चलती है, तो उनके साथ सारी चीजें डिस्कस करिए, तो वो वीडियो आप फटाफट से देख लेना, एंड उससे भी आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई का है, ये क्या नाम है इसका, नितिन, ब्रो स्पॉट राउंड ऑफलाइन होगा ना आईपीयू का? तो देखो यार, स्पॉट राउंड जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, तो आपका स्पॉट राउंड ऑफलाइन होता है वो होता है आपका लास्ट वाला स्पेशल स्पॉट राउंड। अब स्पेशल स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा वो देखो, वो मैं नहीं कह सकता, लाइक होता तो है वैसे तो हर साल होता है, बट वही रहता है कि आपकी स्पॉट राउंड तक जो सीट्स आपकी बच जाती है वो आपकी स्पेशल स्पॉट राउंड में होती है, एंड वो आपका फिर ऑफलाइन होता है, ठीक है। पहला जो स्पॉट होगा वो आपका ऑनलाइन चलेगा, बाकी अभी नोटिस आया नहीं है, स्टिल ऑफलाइन का ऐसा कुछ भी नहीं रहता, ऑनलाइन ही होगा, बट स्टिल एक बार नोटिस आ जाने दो फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब एक का डाउट है तनुश्री, हाय हाउ आर यू, आई नीड टू आस्क अबाउट बोथ कॉलेज GTBIT एंड GTBIT 4 सेंचुरी, आर दे बोथ आर सेम कॉलेज, एंड व्हाट आर द प्लेसमेंट्स ऑफ GTBIT 4 सेंचुरी एज आई गेट सीट इन GTBIT 4 सेंचुरी इन ईसी ब्रांच? तो देखो, आपको ईसी ब्रांच मिली है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको राउंड 3 तक ईसी ब्रांच मिल गई है इसमें, बट आई विल से कि आप स्लाइडिंग राउंड तक इसको अपग्रेडेशन में डालो, एंड वो तो ऑफ कोर्स ही बात है, आप फ्लोट करोगे तो आपको अपग्रेडेशन में कोई सीट देखने को मिल जाएगी, अगर आपको CSIT तक भी मिल जाती है तो वो आप उसको प्रेफर करो, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टूडेंट है अनुषी बेस, हेलो भैया आई वाज अलॉटेड GTBIT 4 सेंचुरी CSE, नहीं इसको मिली है CSE डेटा साइंस, एंड ये आउटसाइड दिल्ली है, इसकी रैंक है 117,000। तो देखो यार, अगर आपको यहाँ पे CSE डेटा साइंस मिले तो मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप स्लाइडिंग में जाके
कोई ऊपर का और लाइक अगर आपकी इतनी अच्छी खासी रैंक है तो इस रैंक पे मैं प्रेफर करूंगा आप ऊपर और अच्छे कॉलेज को जा सकते हो एंड यू हैव टू गो फॉर इट। आप स्पॉट राउंड में जाकर पार्टिसिपेट करो लाइक उसमें थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे आपको 500 रुपीज दोबारा से रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे। देखो स्पॉट राउंड का मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं लाइक काफी बच्चों का डाउट भी रहता है कि अभी तक हमने आईपीयू का रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो यार उनके लिए मैं बता दूं स्पॉट राउंड की दोबारा रजिस्ट्रेशन आपकी ओपन होगी उसका नोटिस जब भी आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसमें आपको 1500 फिर 1000 फिर आपकी 500 रुपए आपकी स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन के लिए वो भी आपको अमाउंट पे करना पड़ता है उसके बाद आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट का डाउट है कि भैया 280000 जेई में था एंड अखिलेश दास उसको आईटी मिल गया थर्ड राउंड में, कैन आई गेट बीपीआईटी आईटी इन स्पॉट। तो देखो ऑफ कोर्स अगर वहां पे बीपीआईटी आईटी सीट्स खाली भी रहती है तो आपको स्पॉट राउंड तक आराम से वहां पे मिल जाएगा, ठीक है तो डोंट वरी। एंड उसके बाद ये लास्ट स्टूडेंट है जिसका मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, भैया मुझे जीजीएस आईपीयू में टिप्स सीएससी अलॉट हुई है थर्ड राउंड में बट मुझे अपग्रेड कराना है तो अगर मैं 96,000 रुपीज पे कर दूं मैं स्लाइडिंग राउंड में जा सकता हूँ? इफ मुझे स्लाइडिंग राउंड में कॉलेज मिला वो पसंद नहीं है तो स्पॉट में जा सकता हूँ विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा? तो मतलब इसका बेसिकली क्वेश्चन यही है कि इसको स्लाइडिंग राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है एंड उसको वो भी पसंद नहीं आता तो वो स्पॉट में जा सकता है? हाँ भाई ऑफ कोर्स है, आपको पहले उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्लाइडिंग में जो आपको कॉलेज मिल जाएगा उसको आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा स्पॉट। तो आप उसमें फिर स्पॉट में जाकर अपग्रेड करवा सकते हो, ठीक है। तो यही कॉमन से डाउट्स काफी बच्चों के रहते हैं तो मैंने जितने बच्चों का हो पाया अभी मैंने कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करें इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।